मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार पूरे प्रदेश में अपनी उपलब्धियों का गुणगान करने में लगी हुई है। तो वहीं गोवर्धन विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे प्रदेश में कोई भी दंगा न होने दिया और प्रदेश में कानून व्यवस्था का अच्छे से पालन कराया गया। तो वहीं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल के बारे में भी चर्चा की और बताया कि मैंने करोड़ों रुपए के विकास किए हैं, आने वाले समय में निरंतर विकास करता रहूंगा और जनता को हमेशा खुश रखूंगा। बताया कि गांव-गांव में मीठे पानी की व्यवस्था की, नाली खरंजा रोड और लाइट हैंडपंप आदि की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार में गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां काफी सालों से पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस मौके पर गोवर्धन के सभी पत्रकार को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे गोवर्धन मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह कुंतल, मोहन लाल शर्मा, हरिओम शर्मा, सियाराम शर्मा, भाजपा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय योगी जी के सरकार को लगभग 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो सरकार को जो हमें जो विरासत में जो मिली थी, जो उसकी परिस्थिति आज वो भी, और आज भी योगी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। आज जो हमारी सरकार द्वारा 4.5 साल में जितने भी विकास कार्य किए हों, चाहे जनहित में जो भी काम किए हों, चाहे लैंड रोड को सुधारना, स्वास्थ्य को सुधारना, आपको नहर बम्बों की सफाई करना, खेत तक पानी पहुंचाना, किसानों के लिए आमदनी दूर कैसी दूनी कैसे हो, उनको सम्मान निधि देना, ऐसे अनेकों कार्य, विद्यालय अच्छे हो ग्रामीण अंचल में, विद्यालय जो बच्चों को पढ़ने के लिए गरीब माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ने भेज सकते हैं, उसके लिए इंग्लिश मीडियम प्राइमरी से शुरू करना, ऐसे अनेकों काम जो जनहित में माननीय योगी द्वारा किए गए वो आपके सामने सामने है। और मैं नहीं कह रहा हूँ उस बात को, आज पूरे देश में अगर आप जाएँ तो रैंकिंग मिलती जब मिलती है तो पहला नंबर है उनका उत्तर प्रदेश का आता है, योगी का नंबर आता है। चाहे अभी कोरोना काल में जो भी उनकी कोरोना में जो सहयोग किया जनता का, उसको दूर करने के लिए जो भी प्रयास रहे हों, वो पहला नंबर WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी UP को पहला नंबर दिया। विकास काम करने में हो या सही जनहित में काम हो या नौकरियों में, आज जो नौकरी लग रही है किसी भी विभाग में, कोई भी हो विभाग हो, हर विभाग पहले भ्रष्टाचार था, जाति के आधार पर नौकरी दी जाती थी, लेकिन आज योगी जी की सरकार में कहीं भी कोई जाति में नहीं ध्यान दिया जा रहा है, उसका योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, कोई सिफारिश नहीं मानी जा रही, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, पहली बार अगर इस तरह से अगर नौकरी दी जा रही है तो योगी जी के कार्यकाल में ही दी जा रही है। ऐसे अनेकों बार जो आज हुए उसी के परिप्रेक्ष्य में आज प्रेस वार्ता कि हाँ नहीं पूरे प्रदेश में आज रखी गई है, तो ठीक है, मैं आप लोगों से जो मैंने रखी तो यही है कि जो भी उपलब्धि रही मेरे द्वारा भी क्षेत्र विद्यालय काम कराए गए। पहले भी आपने देखा होगा क्षेत्र क्या स्थिति परिस्थिति थी, सड़कें नहीं बनती थी, टूटी पड़ी थी, पिछली सरकार द्वारा 10 सड़कें भी नहीं कहीं बन दिखाई नहीं देती थी, नहरों में पानी नहीं आता था, सफाई नहीं होती थी, पेड़ तक पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन जब से मुझे भी यह काम करने का मौका मिला है पेड़ तक पानी पहुँच रहा है, सफाई हो रही है, नालों की सफाई कभी नहीं हुई थी, नाले भी इस समय इस साल से साफ किए गए, इसी साल से साफ किए जा रहे हैं, विद्यालयों में भी जो विद्यालय पहले हमें जो विरासत मिले, प्राथमिक विद्यालय हो चाहे जूनियर स्कूल हो, उनमें भी आप देखो सौंदर्यकरण का कार्य हो रहा है, रास्ते कभी नहीं थे इस तरह के, आपका पहले रास्ता रुका हुआ पड़ा था मथुरा गोवर्धन वाला, वो भी आपका शुरू हो गया है, जितने भी यहाँ गोवर्धन को जोड़ते मार्ग उनको चौड़ीकरण करने का काम हो या फिर विद्युत का काम हो, अब मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में लगभग 6 सब स्टेशन का निर्माण हुआ, ऐसे अनेकों काम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जनहित में और विद्यालय भी यहाँ। R9 भारत के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।